नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीतामढ़ी में बंद पड़े रीगा चीनी मिल को शुरू करने की मांग को लेकर अब चीनी मिल के वर्कर्स ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। चीनी मिल के गेट पर सैकड़ों की तादाद में चीनी मिल के कर्मी और किसानों ने धरना दिया और मिल प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की। हमारे पास मैन पावर है ना, 30,000 किसान है, 30,000 आदमी को खड़ा कर दिया तो लगा का बढ़ता हुआ हो गया। शिवहर में 24 जनवरी को पिपराही के कोला पुल के पास तारियानी थाने में तैनात चौकीदार के पुत्र के बाइक लूट और गोलीबारी की घटना में शामिल अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने अपराधियों के पास से लूटी गई अपैचे बाइक, पासबुक, 4 मोबाइल फोन, चेक बुक समेत कई सामान बरामद की। सभी लोग को इसमें सम्मिलित किया गया और उसी दिन लगभग 4-5 घंटे के अंदर ही उसके बाद हम लोगों ने विधिवत छापामारी कर इसमें 2 अभियुक्त को पकड़ा गया, जिसमें एक अभियुक्त का नाम कृष्णकांत सिंह और कन्हाई सिंह वाला जो तरियानी छपरा अंतर्गत है, दूसरा आलोक सिंह और कल्लू तरियानी छपरा के भी रहने वाले हैं। ये दोनों को गिरफ्तार किया गया। इससे लूटी हुई मोटरसाइकिल, उसका आधार कार्ड, जो गाड़ी जो छीना गया था, चेकबुक इत्यादि सभी को बरामद किया गया है। गया के राजेंद्र टावर चौक के समीप कांग्रेस ने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर उपद्रव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। इस संदर्भ में प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू, कांग्रेस के प्रवक्ता, ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन देश के ऐतिहासिक लाल किले पर उपद्रव देश की राजधानी में जगह जगह हिंसा एक सुनियोजित साजिश है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के ऐतिहासिक लाल किला पर उपद्रवियों के द्वारा किए गए कारनामों के खिलाफ पूरी तरह उस उपद्रव को साजिश मानते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। नालंदा के अस्थावा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ अधेड़ के द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बीते 19 जनवरी के दिन 50 वर्षीय शिव बालक महतो के द्वारा 14 वर्षीय बच्ची के साथ दिन के उजाले में दुष्कर्म किया गया। बच्ची अपने बुआ के घर बीते 5 महीने से रह रही थी। इस पूरे मामले की तफ्तीश महिला थाना द्वारा शुरू कर दी गई है। केवाई लगा दिया और नाक मुंह मुंड करके बलात्कार किया। कौन लोग था वो? कुछ नंबर शिवालक मातो। और इस वक्त के बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।